सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमकेबी इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, कौन उसको कैलकुलेट करता है, CSO के बारे में हमने देखा था। देन उसके बाद हमने GDP के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो जनरल चीज़ें थी। आज देखते हैं पार्ट टू में क्या चीज़ें हमको और आगे डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, बेसिकली वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फाइनल गुड्स हमने देखा था कि वो गुड्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट गुड्स में एंड फाइनल गुड्स में। तो जो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा बहुत मिस हो गई थी, वो आज यहाँ पर सारी तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोल रहा है कि इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एज अ रॉ मटेरियल लेकर के। यानी एज अ रॉ मटेरियल जिस भी गुड को हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि वीट का प्रोडक्शन हुआ, एक फार्मर ने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया। अब वीट उसने क्या कर दिया, आगे सेल कर दिया, सेल करके उसको कन्वर्ट किया गया फ्लोर में, और फ्लोर से उसको फिर आगे और प्रोसेस में डाला गया, और फाइनली उसका क्या बना दिया गया, ब्रेड बना दिया गया। ठीक है, ब्रेड या बिस्किट कुछ भी उससे क्या किया हमने, बना दिया। तो ये जो ब्रेड बना है या जो हमारा बिस्किट बना है, वो किससे बना है, वीट से बना है। तो यहाँ पर वीट क्या है, ये वीट हमारा रॉ मटेरियल है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इंटरमीडिएट गुड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जबकि फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स बोल रहा है कि इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, हमने ब्रेड परचेज कर लिया। तो जो भी हमने ब्रेड परचेज किया है, वो ब्रेड क्या है हमारे लिए, वो ब्रेड हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ब्रेड हमारे लिए फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक, कंजम्पशन पर्पस से। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखें, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, जो मशीन है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सब क्या है, ये सब फाइनल गुड्स होती है। तो इनको क्या कर रहा है, एक प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए। क्लियर होगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, और फाइनल गुड्स जिनको हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स कम्स अंडर द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर आती हैं। यानी कि अभी उनका क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग अभी हो रही है, वो अभी कंप्लीट बनकर बाहर नहीं आई हैं प्रोडक्शन बाउंड्री से। यानी कि जो ये ब्रेड बन रहे हैं या बिस्किट बन रहे हैं, ये क्या है अभी, ये अभी जो हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री है, यानी कि कोई कंपनी है XYZ कंपनी, तो इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, अभी इनका प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये सारी की सारी जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो कहाँ आती हैं, अंडर द प्रोडक्शन बाउंड्री आती हैं, क्योंकि अभी उनका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। जबकि फाइनल गुड बोल रहा है कि इट डज नॉट कम अंडर द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये जो फाइनल गुड्स होती हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर में नहीं आती। क्यों, क्योंकि ये क्या हो चुकी हैं, इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है तो क्या हो रहा है, अब कंप्लीट होने के बाद हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि ये जो ब्रेड था, ये ब्रेड क्या हुआ, कंपनी से बनकर अब कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है, किसके पास पहुँच चुका है, कंज्यूमर के पास पहुँच चुका है। इट मीन्स कि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल चुका है। थर्ड वन, कि सम अदर वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होती हैं, कुछ अदर वैल्यू इंक्लूड होती हैं। ठीक, कैसे इंक्लूड होती हैं, फिर से समझ लो। हमने कहा कि वीट था, वीट का हमने क्या किया, वीट को हमने कन्वर्ट किया किस में, वीट को हमने कन्वर्ट किया फ्लोर में।
आटा बनाया उसका, देन इस फ्लोर में हमने क्या किया, कुछ शुगर ऐड किया होगा, ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें क्या किए होंगे, ऐड किए होंगे, ठीक है, कुछ हमने इसमें कलर ऐड किया होगा, कुछ हमने इसमें फ्लेवर ऐड किए होंगे, तो तब जाकर के हमने क्या किया होगा, उस व्हीट से बिस्किट या ब्रेड बनाया होगा। तो जो भी बिस्किट या ब्रेड हमने बनाया है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ों की क्या हो रही हैं, वैल्यू ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ वैल्यूज़ और इंक्लूड होती हैं, जबकि हमारी जो फाइनल गुड्स हैं उसमें किसी तरीके की कोई भी अदर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, नो अदर वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। अब ये बिस्किट बन गया, तो बिस्किट बन के ये पैकेट में पैक हो गया, अब जब ये पैक हो गया तो अब इसमें और कोई वैल्यू अलग से इंक्लूड नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें फिर कुछ और ऐड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसका प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, वो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी है। देन नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आते हैं इनसे, आप भी आगे बात करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। बोले दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि फाइनल गुड्स बोल रहा है कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा ध्यान रखना, नेशनल इनकम कैलकुलेट समय क्या किया जाता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो ये फाइनल गुड्स होती है, हमारे इन फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो फाइनल गुड बनी है, ये बनी किसकी है, इस इंटरमीडिएट गुड की तो बनी है। ये जो बिस्किट बनाया हमने यहां पर, ये जो बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ, ये बिस्किट किसका बना, ये बिस्किट वीट का तो बना है, यानी कि वीट को पीस करके फ्लोर बनाया, फ्लोर में फिर और चीजें ऐड करी तभी तो बिस्किट बना। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस बिस्कुट की वैल्यू को ही, इस बिस्किट की वैल्यू को ही क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, यानी कि इस बिस्किट को ही उसमें ऐड किया जाएगा, ये वीट को यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा निकल आएगी, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। तो इसी चीज़ को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है हमारे पास डबल काउंटिंग करके, उसमें हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि क्यों इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स वो सॉरी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम, क्या होती है ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम के बारे में मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी समझाया था कि फैक्टर इनकम क्या होती हैं। तो हमने जैसे देखा था कि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, होता है लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। अभी कैपिटल को बोलोगे सर सी क्यों नहीं लिखा, तो कैपिटल को हम के ही लिख लेते हैं बेसिकली, ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन हम ले लेते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे बाद में। तो जैसे लैंड है, लैंड हमने कहा कि क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में अपनी सर्विसेज दे रहा है, कि जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा लैंड के ऊपर होगा, तो इस लैंड को इसकी सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा, कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, कुछ जो भी इसने काम किया है, जो भी अपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बदले में इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लैंड को इसकी सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है बेटा, लैंड को इसकी सर्विसेज के बदले में मिलता है रेंट, ठीक, किराया या लगान जिसको हम बोलते हैं। फिर इसी तरीके से लेबर हैं, लेबर ने काम किया, तो लेबरों ने काम किया तो उनको उनके सर्विसेज के बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो वेजेस, और मंथली जो मिल रहा है तो सैलरी। देन कैपिटल है, प्रोडक्शन करने में कैपिटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिना कैपिटल हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मनी की ज़रूरत है, तो कैपिटल को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल को क्या मिलता है, उसके सर्विसेज के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जो है, जो क्या कर रहा है, इन सभी फैक्टर्स को यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन में, तो ये एंटरप्रेन्योर क्या ले रहा है, प्रोडक्शन करने में रिस्क ले रहा है, रिस्क है प्रोडक्शन सही हो ना हो, बिजनेस चले ना चले, तो इस एंटरप्रेन्योर को उस रिस्क के बदले में क्या मिलता है, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज दे रहा है तो प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्या कहलाती है हमारी, ये हमारी कहलाती है फैक्टर इनकम, या इसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। तो इन्हें रिसीव हो रही है, जिसको भी रिसीव हो रही है, चाहे वो लेबर को रिसीव हो रही है, लैंड को रिसीव हो रही है, कैपिटल को रिसीव हो रही है,
कैसे भी रिसीव हो रही है, तो वो जिनको रिसीव्ड हो रही है उनके लिए फैक्टर इनकम है, और ये एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है इन सबका क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है, यानी दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज़ रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये जो फैक्टर इनकम होती है ये किसके बदले में मिलती है हमको, प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में मिलती है, ठीक है, रेंडरिंग मतलब के बदले में, ठीक है। तो जो भी हमने क्या करी है, सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में हमको मिल रहा है, लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब बोला फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट मेड बाय एंड एंटरप्रेन्योर टू फैक्टर्स फॉर देयर सर्विसेज दी सेम। वही चीज जो अभी मैंने ऊपर बताई वही चीज है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे उनको ये रिसीव हो रही है तो उनके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। बोल रहा फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स को इनकम अर्न हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। और ये एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। तो बोल रहा फैक्टर पेमेंट मेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू फैक्टर्स फॉर देयर सर्विसेज आर सेम। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज़ होती है, ठीक है, देखने का नज़रिया है। जिनको रिसीव हो रहा है उनके लिए इनकम, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए पेमेंट। क्लियर होगी बात। देन नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जो ट्रांसफर इनकम जनरली ये समझ लो कि बस फ्री में जो इनकम मिल रही है, बिना काम किए घर बैठे बिठाए फ्री में क्या पैसा आ रहा है, तो वो इनकम क्या होती है हमारी, ट्रांसफर इनकम होती है, फ्री की इनकम बिना काम के बदले में मिल रही है। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइड एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिना कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड किए ही जो इनकम हमको मिल जाए। तो क्या क्या वो इनकम मिलती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ठीक है, जो ओल्ड एज जो बहुत ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जो किसी तरीके के कोई काम नहीं कर सकते, किसी तरीके की सर्विसेज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, तो उनको क्या देती है गवर्नमेंट, उनको ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो वहाँ पर भी वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती हैं, ठीक है, जो हमारे जो यंग लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी तरीके के ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं है, तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब फ्री में मिल रहे हैं, यानी कि इनके बदले में हमको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो इनकम होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। सिंपली क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, फ्री में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि किसी तरीके की कोई सर्विसेज में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ रहा। क्लियर होगी, आई होप समझ में आ गया होगा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम क्या है। तो फैक्टर इनकम काम के बदले मिलेगा तो वो फैक्टर इनकम है, और बिना काम के मिलेगा कुछ तो वो ट्रांसफर इनकम है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अब जो हमने पीछे बात करा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो फैक्टर इनकम बता दिया कि इट इज़ रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, काम के बदले में कुछ मिल रहा है। एंड ट्रांसफर इनकम, इट इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइड एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिना किसी काम के बदले में, यानी कि फ्री में जो इनकम मिल रही है। क्लियर। देन सेकेंड बोल रहा है फैक्टर इनकम इज एन अर्न्ड इनकम। ठीक है, अर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, अर्न्ड इनकम का मतलब होता है जिसको हम अर्न करते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्जित आय। अर्जित मतलब जिसको हम कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं या अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन अर्न्ड इनकम, ये क्या होती है, ये कमाई हुई इनकम है। और ये क्या है, इट इज़ एन अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये है कि जिसको हम अर्न नहीं कर रहे हैं, यानी कि कमा नहीं रहे हैं, वैसे ही कहीं से फ्री में हमको क्या है, पैसा आ रहा है, फ्री में इनकम हमको मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा अनअर्न्ड इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, अर्न्ड इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम अनअर्न्ड इनकम होती है। देन इट इज़ कॉल्ड बायलेटरल पेमेंट। बायलेटरल क्या मतलब होता है, बायलेटरल का, बायलेटरल इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षीय भुगतान। द्विपक्ष का मतलब दो पक्ष हो जहाँ पर, यानी कि टू साइड हो जहाँ पर। ठीक है, तो टू साइड कौन कौन सी है, एक वो हैं जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं, और दूसरे कौन है, जो काम करा रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। ठीक, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, इन एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दो साइड हैं, बायलेटरल पेमेंट्स हो गई है। ठीक है, द्विपक्षीय भुगतान जिसको बोलते हैं। यह है यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय। एक पक्षीय का मतलब जहां पर एक पक्ष हो, यानी कि वन साइडेड पेमेंट जिसको हम बोलते हैं।
यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, बस एक बंदे को क्या हो रही है, सिंपल रिसीव हो रही है बिना किसी काम के, यानी कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, जो भी उनको पेमेंट मिल रहा है बिना किसी काम के मिल रहा है, यानी कि एक ही पक्ष यहाँ पर जो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा दे रही है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है जो ले रहा है वो किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाती हैं, वन साइडेड पेमेंट होती हैं, तो इनको बोलते हैं यूनिलेटरल पेमेंट। और जो टू साइडेड पेमेंट होती हैं, टू साइडेड पेमेंट को हम बोलते हैं बाइलेटरल पेमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनको क्या किया जाता है, फैक्टर इनकम को इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि भाई ये क्या है, फैक्टर इनकम है, काम के बदले में मिल रही है, काम कर रहे हैं कुछ तो मिल रही है, ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, तो सर्विसेज के बदले में क्या हो रहा है, ये इनकम मिल रही है, तो सर्विसेज के बदले में मिल रही है, तो इनको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। जबकि दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि फ्री में मिल रही है, काम तो कर ही नहीं रहे, तो भाई जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्या बिना काम के, नहीं दे सकते, तो इसलिए ये जो इस तरीके का पैसा होता है जो फ्री में मिल रहा है, उस पैसे को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, हम नेशनल इनकम में सिर्फ उसी पैसे को काउंट करते हैं जो कमाया जाता है या काम के बदले में मिलता है। तो एग्जांपल हमने देख ही लिए थे, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया था स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हो गए, ठीक, विडो पेंशन होगी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। क्लियर होगी, तो आई होप समझ में आ गया होगा ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है, और इसी तरीके से हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और जो फाइनल गुड्स थी वो क्या होता है, ठीक है। बाकी नोट करना हो आराम से इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और काफ़ी सारी वीडियोज़ इसमें बनने वाली हैं, तो आराम से एक एक वीडियो को देखेगा और कोई वीडियो बीच में मिस मत करना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा है कि अगर एक वर्ड भी कहीं मिस हो गया तो बेटा आगे वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसलिए आराम से पूरे वीडियो को देखना। मुझे पता है वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी ज़रूर बनेंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, एक बार नहीं आएंगे तो दो बार देखना, आराम से आएंगे, पहले तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा और समझ में आ जाएंगी एक बार से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए।